नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन सा। मधेश 111 दिन पैदल चल के काठमांडू पहुंचल, मीटर ब्याज पीड़ित तरह काठमांडू में प्रदर्शन। मीटर ब्याज के अपराध मानित आवश्यक कानून बनेबाक सरकार के निर्णय। सिरहा गोल बाजार के मेयर श्रेष्ठ ऊपर मोबिल छिटल गेल, मोबिल छिटा वाला पकड़ायल। सिरहा करजनहाक सामुदायिक विद्यालय सब में कार्यालय सहयोगी के भर पर वार्षिक परीक्षा चल रहा, शिक्षक शिक्षिका तालीम में व्यस्त। आ जनकपुर धाम में राष्ट्रीय स्तर के मेयर कप क्रिकेट की तैयारी, चैत 23 गति से प्रतियोगिता है। आप समाचार विस्तार से। मीटर ब्याज पीड़ित लोकन मंगल दिन समेत विरोध प्रदर्शन शुरू कलक। पीड़ित सब मंगल दिन भोरे से काठमांडू के टंगाल में विरोध प्रदर्शन कलक। मधेश के विभिन्न जिला से 11 दिन धरि पैदल चल के काठमांडू पहुंचल मीटर ब्याज पीड़ित लोकन सोम दिन खुला मंच आगू प्रदर्शन कने छल। त आई ओत से पैदल चलित प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुआ टार दिस जेबा क्रम में विरोध प्रदर्शन भेल छल। पीड़ित सब खुला मंच में बैसक लेल आयल रहितो काठमांडू महानगर पालिका के नगर पुलिस खुला मंच प्रवेश में लोक लगौला के बाद सब खुला मंच बाहर के सड़क में सोम दिन के रात बीतौने छल। पीड़ित लोकन महानगर पालिका खुला मंच प्रवेश में रोक लगौने कहित काठमांडू के मेयर बालेन शाह विरुद्ध समेत नाराबाजी कयने छल। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सभापति रवि लामी छाने सरकार मीटर ब्याज के समस्या तत्काल समाधान करा परबाक धारणा रखलेने छे। मंगल दिन विरोध प्रदर्शन में उतरल मीटर ब्याज पीड़ित सबके प्रदर्शन स्थल में भेटे तो सरकार तत्काल मीटर ब्याज पीड़ित सबके समस्या समाधान कर प्रबाक धारणा रखलन। पूर्व उप प्रधान एवं गृहमंत्री समेत रह लामी छाने स्वयं सरकार में भेला पर मीटर ब्याज के समस्या के पहल प्राथमिकता में रह का काम शुरू कने, मुदा एक समाधान कर कोनो ठोस समस्या नहीं रहल वो धारणा रखलन। वो अपन पार्टी पीड़ित सबके साथ में सदैव रहबाक समेत बतौलन। सभापति लामी छाने मीटर ब्याज के समस्या के राजनीतिकरण नहीं करबाक चाहिए धारणा रखने छलन। वो मीटर ब्याज पीड़ित सबके मुद्दा में टेक कर अपन पार्टी राजनीति के रोटी नहीं सेक रहल कहित वास्तविक पीड़ित सबके समस्या समाधान कर परबाक बतौलन। वो सरकार आर्थिक अवस्था कमजोर भेल आदमी सबके पहल प्राथमिकता में नहीं राख देर समस्या के समाधान होब नहीं सकबाक स्पष्ट करने छलन। तपाईँहरूलाई माथि बसेर तपाईँहरूको मुद्दामा टेकेर आफ्नो राजनीतिको रोटी सेकाउन होइन कि वास्तविक पीडितहरू हुनुहुन्छ भन्ने बुझेर वास्तविक यो पीडा नै हो, यसलाई कानुनी रूपमा यसको हल गर्नुपर्छ भन्नको लागि हामी छौँ। त्यस कारणले हामी तपाईँको यसबाट लाभ लिन होइन, तपाईँलाई लाभ दिनको लागि जहाँ जतिखेर आवश्यकता पर्छ त्यतिखेर म हाम्रो पार्टी हामी तपाईँहरूसँग साथमा छौँ। के भन्नु तपाईँ जहिले पनि गरिब निमुखाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएकै छैन। राजनीति गर्दाखेरि राजनीतिक कुराहरू नमिलेर चाहिँ आफ्ना झगडाहरू चलिरहेका छन्, वर्षौँदेखि नमिलेको यो हिसाब कहिले मिल्ने हो थाहा छैन। त्यस कारणले प्राथमिकतामा नराखिएको गरिबलाई, मजदुरलाई, किसानलाई, तल्लो वर्गका मान्छेहरूलाई जब प्राथमिकतामा राखेर राजनीति गरिन्छ त्यसपछि यस्ता समस्याहरूको लिस्टमा नम्बर वानमा आउँछ। मीटर ब्याज पीड़ित सब विरोध प्रदर्शनमै रासोपाका उपसभापति एवं संसदीय दलक नेता डोल प्रसाद अर्याल समेत सहभागी भेल छलन। मधेशी आयोग मीटर ब्याज पीड़ित सबके समस्या तत्काल समाधान कर सरकार के अपील कलक। सरकार मीटर ब्याज पीड़ित सबके समस्या समाधान के लिए 6 महीना आगू समझौता कने रहितो समाधान में ध्यान नहीं देने आयोग के उपराग है। तत्काले समस्या समाधान करबाक लेल बहु वैकल्पिक पहल क पीड़ित सबके अधिकार के राज्य संरक्षण करबाक चाही अपील कयल गेल। आयोग राइट टू स्पीक एक्सप्रेस लोकतांत्रिक अधिकार के समेत सम्मान कर अपील कलक। मधेशी आयोग पीड़ित सब संगे छलफल तथा समाधान के लिए आयोग के सदस्य सब जीवत शाह, रेणु देवी शाह, आभा कुमारी सहित के टोली के स्थलगत अनुगमन के लिए जिम्मेवारी समेत तोकलक। मधेश सब 12 दिन लगाकर मीटर ब्याज पीड़ित सब काठमांडू पहुँच कर ओत आंदोलन कर रहल। सरकार मीटर ब्याज के अपराध मानित आवश्यक कानून बनाओत। मंगल दिन बैसल मंत्रिपरिषद के बैसार से मीटर ब्याज के अपराध मानित कानून बनेबाक कहित पीड़ित के आवश्यक कार्यवाही करबाक जगह प्रक्रिया अगाड़ी बढ़ेबाक निर्णय कयल गेल।
ओहिके लेल अपराध संहिता 2074 के संशोधन कर आवश्यक प्रक्रिया शुरू करबाक निर्णय समेत भेल। एक गोटे मंत्री जानकारी देने छथि। मीटर ब्याज पीड़ित सब स्वयं सब न्याय पावा पर बाग मांग करैत काठमांडू पहुँच कर आंदोलन शुरू केला बाद सरकार गंभीरता देखबैत आवश्यक निर्णय करय लागल अछि। सिरहा के गोलबजार नगरपालिकाक मेयर श्याम कुमार श्रेष्ठ पर मोबाइल छिटने आरोप में गोटे पकड़ा गेल अछि। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के कार्यालय कार्यकक्ष से निकलि कर गाड़ी चढ़ के बेर में एक गोटे अपरिचित व्यक्ति मेयर श्रेष्ठ पर मोबाइल छिटने छल। मेयर श्रेष्ठ काम विशेष से सिरहा सदर मुकाम जाय लागल आ गाड़ी चढ़ लागल बेर में मोबाइल छिटने प्रत्यक्षदर्शी सब बतौलक। घटना में तत्काल पकड़ाव कल गए। हम ठार भेल छियै आ ओ की करके एक गोटे संगे गप करै छलै गप गप करै छलै तऽ गप कहते तब ओ से अलग आवाज बोले ना का ठीक दल दे हां मुया पर हम की यानी छी एक आदमी ठार भेल के आदमी से आयल छलै अकेले अकेले छलै आ ओ तऽ मोबाइल उधेल देल के हम मोबाइल पूरा जे मन लू जका नै रहै हल जे ओना ना छी ना का छी कि नै छौ ओकरा कत जे नै नै मोबाइल छिटावला युवा के नेपाल पुलिस पकड़ाव कलक। ओ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत के जंगर्ष संघर्ष परिचालन समिति के पर्चा समेत ओत छिटने छल। पकड़ाव पर आयला में सिरहा के नरहा गाँव पालिका वार्ड नंबर 1 के सावी शरण महरा रहल छन। पर्चा में गोलबजार नगर पालिका के मेयर श्याम कुमार श्रेष्ठ लघु वित्त मार्फत गरीब जनता के उठीवास लगौने मीटर ब्याजी सब के संरक्षण केने हटिया के कर में 1,52,00,000 भ्रम लूट केने कारण जान कार्यवाही केने उल्लेख कल गए। पर्चा में फर्जी कागज बनाकर गोलबजार वार्ड नंबर 1 मुखसार रास्ता के 62,00,000 इनामी नाके ने अवैध अविधानिक तरीका से नदी के दोहन केने अन्यायपूर्ण तरीका से नगर पालिका में कार्यरत कर्मचारी सबके हटौने अपन नेता कार्यकर्ता विरुद्ध सुराकी केला से जन कार्यवाही कल गल समेत पर्चा में लिखल है। सिरहा के करजनहा नगर पालिका अंतर्गत के सामुदायिक विद्यालय सब में एखन वार्षिक परीक्षा चल रहा है। बाल बच्चा सब परीक्षा द रहल छन मुदा परीक्षा लेबे वाला शिक्षक सब विद्यालय में उपस्थित नहीं है। अधिकांश विद्यालय में कार्यालय सहयोगी परीक्षा ल रहल देखल जा रहल है। सिरहा से रामनारायण ठाकुर आ सरोज पासवान के रिपोर्ट। सिरहा के करजनहा में चल रहल वार्षिक परीक्षा में विद्यालय के मनोमानी परीक्षा ल रहल छै कार्यालय सहयोगी शिक्षक शिक्षिका ताली में व्यस्त। ई दृश्य छै सिरहा के करजनहा में रहल एकटा सामुदायिक विद्यालय के जत छोट छोट धियापुता परीक्षा द रहल छै। परीक्षा द रहल छै विद्यार्थी मुदा परीक्षा कोनो शिक्षक नहीं बल्कि कार्यालय सहयोगी ल रहल छै। हाथ में प्रश्न पत्र ल क बैस रहल ई कार्यालय सहयोगी छोट छोट धियापुता के परीक्षा लेबाक जिम्मेवारी पौने छै। करजनहा नगर पालिका अंतर्गत के मरेवा में रहल श्री जनता प्राथमिक विद्यालय के कार्यालय सहयोगी शेष नारायण भगत कह रहा है शिक्षक शिक्षिका ताली में गेला से ई जिम्मेवारी अपना के भेटल। आप दोसर विद्यालय के दृश्य देखल जाए करजनहा वड़ा नंबर 7 प्रेम नगर में रहल श्री जनहित आधारभूत विद्यालय छे। अतो कोनो शिक्षक नहीं बल्कि कार्यालय सहयोगी विद्यार्थी सबके परीक्षा ल रहल छे। स्कूल कैसा भागे कार्यालय सहयोगी छे आ अपने परीक्षा ल रहल छे किया ल रहल छे टीचर के बात पता गेल छे टीचर से ताली में गेल छे आ जे कई दिन से अहां परीक्षा ल रहल छे करजनहा नगर पालिका अंतर्गत विद्यालय सब में अखन वार्षिक परीक्षा चल रहा है मुदा शिक्षक शिक्षिका विद्यार्थी के परीक्षा लेब छोड़ तालीम में गेल छे। इस समस्या करजनहा के और विद्यालय में सेहो देखल गेल छे। ई छे करजनहा के बेतहा में रहल श्री जनता आधारभूत विद्यालय अतो वह हाल समस्या भेला के कारण से कार्य सहयोगी कर रहा छे। सर अहाँ कार्यालय सहयोगी छी अहाँ परीक्षा ल रहा छी आ अइले मैम आर कत गेले अइले मैम सब के तालीम है तालीम में पठेने नगर पालिका क के मतलब तालीम गेल छे
अखनी तालीम बरसा बड़का की अखनी एग्जाम भरे वार्षिक से बड़का है अखनू सर परीक्षा बड़का भेल ने तालीम केना भेल बड़का अखनू तो परीक्षा बड़का भेल परीक्षा बड़का होते हुए अखनू नगर परीक्षा से खटा देने अथी तालीम एक तो ओनाहू सामुदायिक विद्यालय में शिक्षक के अभाव रहे छे जेहो शिक्षक रहे छे ओहो तालीम में चल गेला पर प्रधान अध्यापक आ कार्यालय सहयोगी के भर पर परीक्षा लेबा काज भ रहल छे किछ विद्यालय में प्रधान अध्यापक सेहो भेट भेल हुनक सब के कथन छे शिक्षक तालीम में गेला से समस्या भ रहल छे ओ त सर सब के आब भ सके छे कहू तखन ओ एग्जाम के टाइम नै फिक्स भेल छले विद्यार्थी सब संख्या के हिसाब से धपन क्लास में क्लास 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 में वास्तव में खास कर जो तालीम है या तो पैसा के पहले करते या पैसा बात करते बढ़िया रहें एक अलावा एक लाइक हम जैसे गुनासो ही सबसे बेहतर प्यार एकदम जैसे बच्चा सबके कोनो चीज नहीं अब तो सर ये केना के बनेबे या केना कथी करबे बात सब कुछ एकदम भीड़ रहे चोटी एकदम हल्ला हो एम्हर शिक्षिका सब नगर पालिका द्वारा आयोजित शिक्षण शिकायत तालीम लड़ रहा है वो सब कह रहा है विद्यार्थी के वार्षिक परीक्षा से जरूरी ये तालीम है वार्षिक एग्जाम तो वर्षभरी पढायो पढाएको अनुभवमा विद्यार्थीले एग्जाम दिने हो यो तालिम लियौँ भने हामीले फेरि भोलि कसरी पढाउँछौँ भनेर सिक्न आएको हुन्छ अनि विद्यालयमा चाहिँ कार्यालय सहयोगीले एग्जाम लिन अनि तपाईँहरू चाहिँ कार्यक्रममा गोष्ठीमा आएर शिक्षक हुनुहुन्छ नि म एक्लै कुन विद्यालय हो तपाईँको मेरो नन्दबाबा दरबन्दी कतिजनाको विद्यालयको छ त्यसमा शिक्षकको हामी नौजना हेड सर के नाम हेड सर तीर्थलाल पासवान अनि कार्यालय सहयोगीबाट चाहिँ परीक्षा लिन लगाउने अनि तपाईँहरू चाहिँ तालिम हेड सर पनि हुनुहुन्छ कार्यालय सहयोगी पनि हुनुहुन्छ सबैजना यस तालिममा आउनुभएको छ सबैजना आएको छैन हामी दुईजना मात्रै आएको छ दुईजना क्लास हुनुहुन्छ स्कुलमा यतिजनामा को कोसँग चिठी दिनुभएको छ नगर त्यो विद्यालयले तपाईँहरूले फोन गर्नुभएको छ यो वार्षिक एक्जाम छोडेर तपाईँहरू यो तालिममा जानुहुन्छ हेड सरले पुऱ्याउनु पर्छ एहि विषयमे करजनहा नगरपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त्रुटि स्वीकार कयलनि अछि विद्यालय सबमे वार्षिक परीक्षा आ शिक्षक के तालिम एके समय में पड़ल में व्यवस्थापन में कमी भेल स्वीकार कह रहल छथि सही नै हो यो पनि अब अलिकति हामीले व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो त्यसमा मैले स्वीकारोक्ति नै गर्छु तैना वड़ा नंबर 7 के अध्यक्ष राम सेवक यादव सामुदायिक विद्यालय के अवस्था खराब बनित गेल स्वीकार कह रहा है एहन तो खराब अवस्था छे आई की लिखने होते विद्यार्थी सर कुछ नहीं लिखे जीरो लिखने होते इंग्लिशो के नहीं आप जे मुझे क्लास में है ते एकटा कोन चीज के स्पेलिंग नहीं है ते लिखती केना नगरपालिका के शिक्षक शिक्षिका 7 दिनक तालीम में गेल छे एम्हर विद्यार्थी सब के परीक्षा कार्यालय सहयोगी लड़ रहा है कतौ कतौ प्रधानाध्यापक आ कार्यालय सहयोगी विद्यार्थी आ परीक्षा के सम्हारने देखल गेल छै अपन टेलीविजन के लेल सिरहा से रामनारायण ठाकुर आ सरोज पासवानक रिपोर्ट नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकार में सहभागी होबाक मंत्री सब के नामावली सहित के प्रस्ताव पार्टी के केंद्रीय सचिवालय में जल्दी पेश कर 3 सदस्यीय कार्यदल के निर्देशन देलक अछि मंगल दिन काठमांडू के आलोक नगर स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में बैसल पार्टी केंद्रीय सचिवालय के विचार से मंत्रालय आ मंत्री सब के नामावली सहित के प्रस्ताव तत्काल पेश कर पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल नेतृत्व के कार्यदल के निर्देशन दिलक है कार्यदल के पार्टी पावावला मंत्रालय प्रस्तावित मंत्री सब के नामावली सहित के प्रस्ताव जल्दी पार्टी केंद्रीय सचिवालय में पेश कर निर्देशन दिल गेल पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ा जानकारी दिलन वे प्रस्ताव पर छलफल क के मात्र सरकार में सहभागी होबाक मंत्री सब के विषय में निष्कर्ष में पहुँचबाक हुनक कहब छन् दुबईको गृह कार्य गरी चाँडोभन्दा चाँडो सचिवालयको बैठकमा पेश गर्न 3 सदस्यीय कार्यदललाई आज पनि हामीले निर्देशन दिएका छौँ कार्यदलले चाँडोभन्दा चाँडो मन्त्रालय र प्रस्तावित मन्त्रीहरूको नामसहित उसले पेश गर्न सक्छ त्यसमा सेनाका विचारसँग मिटर ब्याज पीडित सबके आन्दोलनप्रति एकबद्धता जनबैत हुनका सबके माग तत्काल सम्बोधन गर्न समेत सरकारसँग माग कयलकै छ मिटर ब्याज लगाबैवला सबके कार्यवाही गर्न समेत सरकारके सचेत गराओल गेल समेत प्रवक्ता खतिवडा जानकारी दिलनि सडकमा छन् हामी हाम्रो पार्टी उनीहरूको आन्दोलनप्रति एकबद्धता व्यक्त गर्दछ हामी विसारसा पार्टीके उपाध्यक्ष केदार प्रसाद नेउपाने थाई कमिटी सदस्य चुडामणि जङ्गाली पद सदिने राजीनामा समेत स्वीकृत कयल गेल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी जनौलकै छ नेकपा एमालेका सचेतक महेश कुमार बर्तौला
प्रतिनिधि सभा नियमावली मार्फत सभा मुख्य अधिकार के कुंठित कर चाहल गेल त संसद के प्रभावकारिता में गतिरोध उत्पन्न होबाक चेतावनी देने छथि। सचेतक बरतौला प्रतिनिधि सभा के सभामुख सभा के नेता होते कहित उनका समूचा संसद से विश्वास कर के वातावरण होबक चाहिए बतौलन। ओ प्रतिनिधि सभा नियमावली में सांसद लोकन संशोधन प्रस्ताव दर्ता करनाई हुनकर सार्वभौम अधिकार के बात रहल रही तो सबके सभामुख प्रति विश्वास कर प्रभाक में जोर दिलन। मंगल दिन बातचीत करित ओ सभामुख सभा के रेफरी भेल कहित रेफरी कतेक बेर में सिटी बजेबाक ई बात कतौ निर्णय से निर्देशित भक नहीं होब के चाहिए धारणा रखने छ। त्यो समिति सबै दलहरूको सहभागिता बनेको छ। त्यो समितिमा पूर्वभन्दा पनि संविधान सभाको अध्यक्षदेखि सबै राजनीतिक पार्टीका प्रमुख सचेतकहरूसम्म भनेको अर्थ असाध्यै महत्त्व दिएर यो समिति बन्यो। त्यो समिति ओ रेफरी कखन सिटी बजायत सेवा नियन्त्रित नै हुनको चाहि बतौलन। ओ कार्य व्यवस्था परामर्श समिति के निर्णय के आधार में मात्रे सभामुख आगू बढ़ला पर संसद गतिहीन हो सकबाक अवरोध सब के जंजाल में पड़ सकबाक चेतावनी दिलन। नेकपा एमालेक नेता डॉक्टर भीम बहादुर रावल स्वयं पार्टी भित्रे रहिक राष्ट्र जनता राष्ट्रीयता लोकतंत्र के पक्ष में दृढ़तापूर्वक अगाड़ी बढ़वाक बाद में अधिक रहल बतौने छथि। कोनो पार्टी आकर नेता सब राष्ट्र आ जनता के हित विपरीत काम कलक त स्वयं एमाले में रहिए के वहन गतिविधि रोक के लिए कदम उठेबाक समेत हुनक कहब छलन। मुदा पार्टी भीतर से अपना निषेध करबाक प्रयास भ रहल कहित नेता रावल उपराग व्यक्त कलने छ। पार्टी अध्यक्ष के पी शर्मा ओली उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल दोसर पार्टी में जा चुकल माधव नेपाल के राष्ट्रपति बन प्रस्ताव कर मिलबाक कांग्रेस के गठबंधन में रहल पुष्पकमल दाहाल के प्रधानमंत्री बनाब होबाक उल्लेख करित ओ स्वयं कोनो समेत नेता के भेंट कर नहीं होबाक ई बात अपना सहन होब नहीं सकबाक हुनक कहब छलन। मंगल दिन केलाली के धनगढ़ी में आयोजित पत्रकार भेंटभाट कार्यक्रम में बजत नेता रावल 50 वर्ष खून पसीना बहाक अपने बनाने पार्टी छोड़ नहीं सकबाक बतौलने। त्यो बाटो में नहीं हिड़े त्यो बाटो में संवैधानिक दृष्टिकोण सैद्धांतिक दृष्टिकोण हे हम संविधान ने मैं अगर जो चर्चा करें दोहरियान चाहूँ ये राष्ट्रीयता संबंधी लोकतंत्र संबंधी जनता के हित कल्याण संबंधी विषय मैं मैं मेरे अलग गंतव्य कसरी प्राप्त करने विपरीत नेता रावल पार्टी के उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेल भर्खरे अपन गृह जिला अछाम पहुँचकर अपना ऊपर पार्टी में जिम्मेवारी नहीं लेने आरोप लगौनाए दुखद रहल कहित विरोध जनाउन छलन। माधव नेपाल जी से 3 घंटा वार्ता करें तब राष्ट्रपति भइदिनुस् अब तब पार्टी हम मिलू केन्द्र में कुरा करने हमारा पार्टी का केपी ओलीजी अभी केपी ओलीजी पुष्पकमल जी खुशी पार्न म यहाँ आए जोड़े हेर्नुस् यो कुरा भनेर मैले त्यसको जवाब दिएँ। म यो कुरा मैले यहाँ किन दोहोर्याएको भने केन्द्रमा हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीजी र विष्णु प्रसाद पौडेलजी स्वयंले नेता रावल जनता के बहुदलीय जनवाद मार्ग निर्देशन के अनुसार स्वयं पार्टी भीतर अध्यक्ष के लिए देने उम्मीदवारी के पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध गेल कहिक पार्टी भित्रे कुप्रचार कैल गेल बेर बेर दोहराने तो छलन। विज्ञ सब शांति प्रक्रिया के बाकी काम सब के जल्दी निष्कर्ष लगाब प्रभाक में जोर देने छथि। मंगल दिन नेपाली कांग्रेस संसदीय दल पार्टी के सांसद सब संगे आयोजना के अंतरक्रिया कार्यक्रम में बजत विज्ञ लोकन सशस्त्र द्वंद्व पीड़ित न्याय तथा परिपूर्ण पावला रसमाज में मेलमिलाप होब जोकर शांति प्रक्रिया के बाकी काम के निष्कर्ष में पहुंचाब सरकार आ संसद के सुझाव देने छलन। संक्रमण कालीन न्याय संबंधी विधेयक के विषय में कैल गेल अंतरक्रिया कार्यक्रम में विज्ञ लोकन एकरा जल्दी से जल्दी निष्कर्ष में पहुंचाब सुझाव देने नेपाली कांग्रेस के प्रमुख सचेतक रमेश लेखक जानकारी दिलन। सरकार संक्रमण कालीन न्याय संबंधी बेपत्ता कैल गेल व्यक्ति के छानबीन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेसर संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभा में पेश केने अछि। ओहि विधेयक के विषय में विज्ञ सब सांसद सब के ब्रीफिंग केने अछि त सांसद सब समेत ओहि संबंधी जिज्ञासा रखने समेत प्रमुख सचेतक लेखक बतौलने अछि। छानबीन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग संबंधी विधेयक में आज छलफल गर्यौं। 5 जना माननीय एकदमै यो विषयका जानकार प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूले अहिलेको कानूनका बारेमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा 5 गोटे विज्ञ लोकन उ संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकको आवश्यकता औचित्यको विषयमा अपन अपन तर्क आधारमा राख्ने छलन। धनुषाका मिथिला बिहारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मा मोटरसाइकल दुर्घटना भेला सचालकको मृत्यु भएछ।
पाछू सवार व्यक्ति घायल भेल अछि। धनसा के मिथिला बिहारी नगरपालिका वार्ड नंबर 6 सिरसिया के 21 वर्षीय विजय कुमार यादव के मृत्यु भेल अछि। काव्य अस्पताल जनकपुर धाम में इलाज के क्रम में विजय कुमार के मृत्यु भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय तारापट्टी जनौलक अछि घायल भेल हुनका 25 वर्षीय हुनक भैया रितेश यादव के वही अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। जनकपुर धाम से धनसा धाम दिस जा रहल प्रदेश 202/4380 नंबर के मोटरसाइकिल अनियंत्रित भक पलट गया। सप्तरी के रूपनी स्थित पिपरारी में रहल जेएसआर ईटा भट्टा के देवाल ढहला से एक भारतीय मजदूर के मृत्यु भेल अछि। अन्य दू गोटे घायल भेल छन। मृत्यु भेनिहार में भारत के पश्चिम बंगाल के 45 वर्षीय अलीम अजीम रहल पुलिस जनौलक अछि। घायल भेनिहार में मृतक के कन्या मोजीना आ भारत पश्चिम बंगाल के जहरुल हक रहल। सप्तरी के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी नरेश कुमार सिंह जानकारी देने छथि मजदूर सब ईटा निकाल के क्रम में देवाल ढहल छल। देशभर थप 24 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 14 से 29 गोटे के नमूना परीक्षण केला पर पीसीआर विधि से 15 तथा एंटीजन विधि से 9 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। ई तथ्यांक गत 2 दिन में प्राप्त एकमुष्ट विवरण अछि। यह अवधि में थप 3 गोटे कोरोना से मुक्त भ गेल छथि। तहिना 28,910 गोटे कोरोना विरुद्ध के खोप लगौने छथि। नेपाल में कोरोना वायरस के संक्रमण से एखन धरि 12,020 गोटे के मृत्यु भेल अछि। इंजीनियरिंग लाइसेंस परीक्षा में 565 गोटे उत्तीर्ण भेल अछि। मंगल दिन इंजीनियरिंग काउंसिल पत्रकार सम्मेलन कई के विषय में जानकारी करौलक अछि। परीक्षा में सहभागी भेल 1981 गोटे मध्य 565 गोटे परीक्षार्थी मात्रे पास भेल। काउंसिल के अध्यक्ष पदम शाही बतौलनि ओ परीक्षा चैत 13 आ 14 गत लेल गेल जाय में 28.5% मात्र उत्तीर्ण भेल बताओल गेल अछि। ओ इंजीनियर संबंधी 20 विधा में परीक्षा भेल बतौलनि। इंजीनियरिंग काउंसिल पहिल बेर इंजीनियरिंग व्यवसाय दर्ता होबक लेल लाइसेंस परीक्षा लेबक शुरू कयलक अछि। उत्तीर्ण नहि भेल सब काउंसिल के प्रमाण पत्र नहि पेबाक आ नेपाल भरि इंजीनियर के रूप में काम कर नहि पेबाक काउंसिल बतौलक अछि। इंजीनियरहरूले दर्ता गर्नुपर्ने सिस्टमको लागि दर्ता गर्नुपर्ने इक्जाम जुन थियो त्यो हामीले 12 र 13 गते लिएका थियौँ चैत्रको। त्यस अनुसारको जुन नतिजा निस्क्यो त्यो नतिजा सम्बन्धी त्यसको डिटेल रूपमा डेटालाई एनालाइसिस गर्ने अरू कुराहरू त हामी गर्दैछौँ। तैपनि विशेष गरेर यो जुन नतिजा छ नतिजा अनुसार हाम्रो यसमा सम्मिलित भएका अथवा उपस्थित भएका विद्यार्थीहरू 1981 जनामध्ये 500 इंजीनियरिंग उत्तीर्ण भेल इंजीनियर सब इंजीनियर व्यवसाय करके लेल काउंसिल में दर्ता होबय पर बाक भेला से लाइसेंस के परीक्षा शुरू भेल। अध्यक्ष साहिब बतौलनि इंजीनियरिंग काउंसिल विगत में इंजीनियर पढ़ा वाला विद्यार्थी सब संग परीक्षा नहीं लेत छल। काउंसिल विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के आधार में परीक्षा बिना लाइसेंस दके इंजीनियर के रूप में काम कर दैत छल। मुदा आब इंजीनियरिंग संबंधी कोनो समेत व्यवसाय करे के लेल काउंसिल के परीक्षा उत्तीर्ण भक अनुमति पत्र पौला के बाद मात्र देश भर में केओ काम कर पेबाक नियम लागू भेल अछि। सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश के दरबंदी रिक्त भेला से सेवाग्राही के समय में न्याय देब नहीं सकल गेल बतौलनि। मंगल दिन सर्वोच्च अदालत पत्रकार सम्मेलन करैत सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीश सबके आवश्यक दरबंदी नहीं भेला से न्याय सम्पादन में कठिनाई भ रहल बतौलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में बजैत सर्वोच्च अदालत के प्रवक्ता विमल पौड़ेल न्यायाधीश के दरबंदी 21 गोटे रहल रहितो विगत 6 महीना से 16 गोटे मात्र न्यायाधीश एत कार्यरत रहल धारणा रखलनि। एहि से सेवाग्राही सबके समय में न्याय निरूपण कर नहीं सकल गेल हुनक कहब छलनि। ओ पेशी के व्यवस्थापन केला पर 21 गोटे न्यायाधीश के लक्षित क के समूह बनाओल गेल कहित न्यायाधीश संख्या पर्याप्त नहीं भेला से सेवाग्राही के कठिनाई महसूस भेल स्वीकार कयलनि। कमी भएको त अब गएकै वर्षदेखि पनि हो तथापि पनि करिब करिब 6 महिनादेखि त हामी 16 जना न्यायाधीशहरूकै दरबन्दीमा रहेका छौँ। यो 16 जना न्यायाधीशको दरबन्दी हुनु भनेको 8 वटा इजलास। प्रवक्ता पौडेल सर्वोच्च अदालतमा 36,500 से बेसी मुद्दाके लगत रहल जानकारी देलनि। ओ चालु आर्थिक वर्षमा मात्र 6,300 से बेसी मुद्दा दर्ता भेल बतौलनि। जाहिमध्ये 7,700 से बेसी मुद्दाके फर्चिउट भ चुकल आ 28,852 थान मुद्दा फर्चिउट होबय बाँकी रहल बतौलनि। ओ चालू आर्थिक वर्ष में मात्र प्रति इजलास करीब 900 मुद्दा फर्चोट भ चुकल जानकारी करौने छलन। मुद्दा के सुनवाई सामान्यतया 2 गोटे सम्मिलित संयुक्त इजलास से भ रहल समेत हुनक कहब छलन। ओ चालू आर्थिक वर्ष में 2063 साल आ 2064 साल में दर्ता भेल विचाराधीन रहल 2 थान मुद्दा फर्चोट भेल बतौलनि। आब सर्वोच्च अदालत में सबसे पुरान मुद्दा 2065 साल में दर्ता भेल 2 थान मुद्दा रहल ओ जानकारी देलनि। एमएनएसटी इंटरनेशनल एशिया प्रशांत क्षेत्र में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संगठित होब नहीं पेबाक अधिकार कुंठित करवला देश सब में नेपाल समेत पड़ल अछि।
एमएनएसटी इंटरनेशनल विश्व के मानवाधिकार के अवस्था के विषय में प्रतिवेदन सार्वजनिक करित मानवाधिकार हनन के घटना में कमी नहीं आयल निष्कर्ष समेत सार्वजनिक कलक आई विश्वभर एक साथ निष्कर्ष सार्वजनिक भेल प्रतिवेदन में एशिया प्रशांत क्षेत्र में रहल भारत बांग्लादेश इंडोनेशिया नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका थाईलैंड लगायत के देश सब में स्वतंत्रता मांग करे वाला ऊपर सरकार स्वेच्छाचारी गिरफ्तार कर के लंबा समय हिरासत में राख के आ निरंतर ई काज कर रहा तथ्य सार्वजनिक केने आई के खालको अवस्था छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले तपाईहरु माझमा प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली कन्टेक्स्टमा चाहिँ जुन खालले चाहिँ फ्रीडम अफ एक्सप्रेसन र एसोसिएसन माथि चाहिँ प्रहार भइरहेको छ हामी देख्न सक्छौँ। मंगल दिन सार्वजनिक भेल प्रतिवेदनमा विकसित आ नमहर कहल गेल देश सब मानवाधिकारको विषयमा दोहरा मापदण्ड देखाउने सार्वजनिक कयल गेल छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा कार्यक्रम संयोजक अस्मिता सापकोटा मानवाधिकारको सवालमा विभिन्न देश सब विभिन्न अनुसार फरक विभिन्न विषय अनुसार फरक फरक धारणा बनाउने आ वही अनुसार व्यवहार क मानव अधिकार संरक्षण में दोहरा भूमिका आ मापदण्ड बनाउने आरोप लगाउले। कसरी दोहोरो मापदण्ड भयो भन्ने कुरा चाहिँ हाइलाइट गर्छ यो रिपोर्टले। सबै सबै सबैतिर एकै तवरमा लागू हुने मानव अधिकार सेलेक्टिभ अप्रोच अथवा चाहिँ केस बाई केस बेसिसमा चाहिँ अप्रोच एमनेस्टी इन्टरनेशनल सार्वजनिक केने प्रतिवेदनमा मुख्यका विश्वभर असहमति के निर्मम दमन भरहल राजस्व अधिकार संरक्षण अकेला पर महिला मार्का में पड़ल मानवता के लिए रहल खतरा सब विरुद्ध के विश्वव्यापी कार्यवाही खेदजनक रहल कहब अपर्याप्त रहल बताने अच्छे। नेपाल के विषय में प्रतिवेदन में हास्य कलाकार के प्रस्तुति में सरकार दोहरा मापदंड बनाने मीटर ब्याज पीड़ित सबके आंदोलन में पुलिस लगाकर निर्ममतापूर्वक दमन केने उल्लेख कयल गेल अछि। ओहि प्रतिवेदन में नागरिकता प्राप्ति करे वाला समान अधिकार से वंचित कयल गेल समेत उल्लेख अछि। एमनेस्टी इंटरनेशनल मार्च 28 के दिन विश्वभर एक साथ मानवाधिकार संबंधी प्रतिवेदन सार्वजनिक करैत आबि रहल अछि। लैंगिक मैत्री नीति आ बजेट के विषय में अभिमुखीकरण प्रदान कयल गेल अछि। FCA के सहयोग में रतौली युवा क्लब के आयोजना में सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण परियोजना संचालन में रहल धनुषा के लक्ष्मीनिया गांव पालिका के दुट्टा वार्ड के सचिव सहित पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष आ सातू वार्ड के वार्ड अध्यक्ष सबके साथे परियोजना अंतर्गत गठन भेल महिला समूह के पदाधिकारी सब सहित के एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भेल अछि। मधेस प्रदेशका दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण परियोजना भनेर हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र यो परियोजना भनेको डिसेम्बर 2022 हामीले सुचारू गरेका छौँ र यो परियोजनाको कार्यावधि भनेको अहिलेलाई दुई वर्षको जुन चाहिँ 2024 हामी ओहि अवसरमा लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष भोगेन्द्र मिश्र परियोजनासँग समावेशी समावेशिता आ समानताके लेल एकटा प्रकाश के इजोत के काज कर के काज के ने कहित प्रशंसा के ने चलें। ओ अपना सब पौने अधिकार समेत था नहीं रहा अवस्था में अधिकार के सदुपयोग कर समेत इसी खोने बतौलें। हो जाए छे तो हमरा सब के गांव पालिका में ई पुस्तिका ई जते विधान छे से सब हमरा सब के प्राप्त है मुदा हम सब ओकरा जे की उपयोग नहीं करे छी ताहि लक हम सब जे अन्हार घर में चलो है आई के गोष्ठी से जे हमरा सब के जे शिक्षा भेटल है प्रशिक्षण जे हम सब लेलों है तै से हमरा सब के घर एकदम प्रकाशमान भ गेला और तै लक हमरा विश्वास है। रतौली युवा क्लबक कार्यकारी निर्देशक वैद्यनाथ चौधरी पालिका सब परियोजना के अपनत्व ग्रहण कर सकल गेल ता और बहुते सुधार कयल जा सकबाक बतौलें। अपना सब सब काम से शुल्क से बेसी स्वयंसेवक के रूप में समेत कर चाहने कहित हो पालिका सब अगाड़ी बढ़ पर बात बतौलें। निरंतरता सेहो हेतै आओरो वार्ड लेकिन ई कार्यक्रम जे अखनी मॉडल के रूप में चूंकि सब पालिका में दू दू टा वार्ड छै तो सब ई नै जे फलना पालिका में फलना वार्ड में कार्यक्रम है सब गोरा एहि कार्यक्रम में समय पर उचित सुझाव सलाह हमरा बुझाइए किनका सहभागिता अपने सबके सही से होते तो ई कार्यक्रम जरूर सफल होते। ई कार्यक्रम रतौली क्लब आइन देने छै FCA आयल छै से नै छै ई कार्यक्रम अपने सबके छै अपने सबके नेतृत्व में छै अपने सब जते बेसी एकरा अपनो तो ग्रहण करबे ओते महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते। ऐसा आगू जनकपुर धाम में परियोजना संचालन में रहल महतरी के थप दूटा पालिका सब पिपरा आ मठियानी के समेत दू दूटा वार्ड के संबंधित पक्ष सब सहित के 7 दिवसीय रिफ्लेक्ट प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालीम प्रदान कयल गेल आ उ तालीम सोम दिन मात्र सम्पन्न भेल कार्यक्रम संयोजक भूल जानकारी देलने छ। आब स्पोर्ट्स न्यूज जनकपुर धाम में राष्ट्रीय स्तर के
क्रिकेट प्रतियोगिता मेयर कप 2079 होबे जा रहल अछि। मध्य प्रदेश के 8 जिला के टीम सब सहित कुल 12 टीम सब के सहभागिता में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका आयोजना करे लागल प्रतियोगिता चैत 23 गते से शुरू होबे जा रहल अछि। जनकपुर धाम के वार्ड नंबर 14 रजौली स्थित प्रस्तावित श्री राम जानकी बहुउद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला में आयोजना होबे लागल क्रिकेट प्रतियोगिता से उ रंगशाला निर्माण अभियान के आधार स्तंभ के रूप में लेल गेल समेत बताओल गेल अछि। र राष्ट्रीय गेम जुन 2083 मा हुने छ त्यसको लागि यदि हातैदेखि पूर्वाधार राखिएन भने त्यो गर्न हामी सफल हुने छैनौँ। त्यसको लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार केही मान्छेहरूलाई तकलिफ पनि हुनसक्छ कि अहिलेसम्म भएको मोदीजीले जुन जनकपुरका लागि सैकडौँ रुपियाँ दिनुभएको त्यो भारू रकम त्यो खर्च नभएको र खेलैमा किन लगाइदिएको छ भने यसमा हामीहरू कुनै डाउट नगर्न हामी कन्फ्युज छैनौँ। हामीहरूले हामी आफ्नो तर्फबाट स्थानीय सरकारबाट प्रतिबद्ध भएर जुन बोर्ड बैठक हुन्छ त्यसबाट लेखेर दिन हामी तयार छौँ। कुल 37 लाख खर्च होब के अनुमान कैल गेल प्रतियोगिता में धनुषा जिला क्रिकेट संघ के समन्वय आ फैक्ट नेपाल के सहकार्य रहल बताओल गेल अछि। लीग चरण में खेलाओल जाय वाला कुल 10 खेल सब के लेल एक एक कक 10 दिन धर विभिन्न प्रतियोगिता आयोजन कैल जायत। चैत 23 गते विश्व खेल दिवस पड़ला से वही अवसर में प्रतियोगिता शुभारंभ होब जा रहल आ समुद्घाटन होबाक बताओल गेल अछि। टूर्नामेंटमा जम्मा 12 वटा टीम सहभागी हुनेछ र लीग फर्मेटमा यो म्याच हुनेछ। लीगबाट छानिएका 4 वटा उत्कृष्ट टिमहरूले सेमिफाइनल खेल खेल्नेछ, अर्थात् 2 वटा सेमिफाइनल खेल र 1 वटा फाइनल खेलसँगै 10 दिनसम्म यो टुर्नामेन्ट चल्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास आ शान्तिको लागि खेलकुद मूल नाराक साथ आयोजना होब लागल प्रतियोगितामे धनुषा महोतरीके मेयर तथा सांसद सबके एकटा टिम विरुद्ध पत्रकार सबके टिम मैत्रीपूर्ण खेल समेत खेलबाक आयोजना होबाक जनकपुर धाम के मेयर मनोज कुमार साहब बतौलनि। धनुषा क्रिकेट संघ के अध्यक्ष गुड्डू पांडे प्रतियोगिता में सहभागी होबक लेल कोनो समेत शुल्क नहीं लगबाक बतबैत प्रतियोगिता में जीत वाला टीम 2,51,000 आ उपविजेता 1,51,000 पुरस्कार सहित आकर्षक ट्रॉफी जितबाक बतौलनि। एमे इंटी चार नै छै, हमसब जत्ते सकबै तत्ते सहजीकरण करबै टीम के साथ। फर्स्ट प्राइज छै 2,51,000, सेकेंड प्राइज छै 1,51,000, मैन ऑफ द सीरीज के छै 25,000, बेस्ट बॉलर के 10,000, बेस्ट बैट्समैन के 10,000, मैन ऑफ द मैच के 3,000 के दर से छै। देखा में जते टीम होती सबके खाने बसने सब व्यवस्था हम सब आज करबे। जम्मा अहाँ के अपन प्रदेश के 8 गो टीम रहत आ 4 गो प्रदेश बाहर के 4 गो टीम रहत। 4 गो प्रदेश से कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गंडकी प्रदेश आ लुम्बिनी प्रदेश। तेनाक मैन ऑफ द सीरीज 25,000, उत्कृष्ट बॉलर आ बैट्समैन क्रमशः 10,000 आ मैन ऑफ द मैच 3,000 नगद पुरस्कार पाओ। मध्य के 8 जिला के 8 टीम आ अन्य प्रदेश सब कोशी, बागमती, गंडकी आ लुम्बिनी के एक एक टीम सब कक कुल 12 टीम के प्रतियोगिता में सहभागिता रहत। पत्रकार सम्मेलन में जनकपुर धाम के विभिन्न वार्ड के वार्ड अध्यक्ष लोकन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रशिक्षक नवीन सिंह, खेल प्रेमी लोकन आशीष झा, सरोज मिश्र, आकाश पांडे सहितक सबके उपस्थिति छलन। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। मधेश से 11 दिन पैदल चल के काठमांडू पहुंचल मीटर ब्याज पीड़ित सब प्रदर्शन जारी। मीटर ब्याज के अपराध मानित आवश्यक कानून बनेबाक सरकार के निर्णय। सिरहा गोल बाजार के मेयर श्रेष्ठ ऊपर मोबिल छिटल गेल, मोबिल छिटा वाला पकड़ायल। सिरहा करजनहा के सामुदायिक विद्यालय सब में कार्यालय सहयोगी लड़ रहा है वार्षिक परीक्षा, शिक्षक शिक्षिका तालीम में व्यस्त। आ जनकपुर धाम में राष्ट्रीय स्तर के मेयर कप क्रिकेट के तैयारी, चैत 23 गते से प्रतियोगिता है। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा, पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रह। नमस्कार।